हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्रैवलर यूके 13 में। मैं हूँ अभी अपने गांव हरियाली बरधार में और मेरे साथ हैं अभी ये कुलदीप भाई और ये लौकी। तो गाइस निकलते हैं अब अपने सुहाने सफर के लिए। तो गाइस आपको बता दूं, अभी हम जा रहे हैं काली मठ के लिए। काली मठ लगभग तिलवाड़ा से है, ये कोई 40-45 किलोमीटर, और अभी हम अपने गाँव की रोड पर। गाइज आपको बता दूं, अभी पहुंच गए हम तिलवाड़ा मार्केट में। अभी आप तिलवाड़ा मार्केट का नज़ारा देख सकते। तो साथियों, आप ये जो पुल देख पा रहे हो, इसे पार करके हम पहुंच जाएंगे इसके नीचे, ठीक जो नीचे नदी बह रही है ये है मंदाकिनी। इस पुल को पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ वाले हाईवे पे। तो गाइज आपको बता दूं, अभी हमने तिलवाड़ा मार्केट में और यहाँ से निकल गए हैं अभी अगस्त मुनि के लिए। यहाँ से लगभग हमारा ओखीमठ का रास्ता है 30 से 35 किलोमीटर का। तो फिर चलते हैं अपने सुहाने सफर के लिए। तो गाइज अभी पहुंच गए हम अगस्त मुनि। अभी आप देख सकते हो अगस्त मुनि का मार्केट। तो गाइज आपको बता दूं, काली मठ जो मंदिर है वहां पर काली माता की पूजा की जाती है, और जो काली माता वो दुर्गा माता ने वहां पर एक 12 साल की बालिका का रूप धारण करके शंभु निशंभु राक्षसों का वध किया था। साथियों आपको बता दूं, काली मठ 108 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां पर सती माता के लोअर बॉडी की पूजा की जाती है। साथियों आपको बता दूं, सती माता की जो अपर बॉडी की जो पूजा अर्चना की जाती है वो धारी देवी में की जाती है। वो भी एक शक्तिपीठ है जो कि पौड़ी वाले हाईवे पर पड़ता है। आपको बता दूं, अभी पहुंच गए हम चंद्रपुरी मार्केट। यहां से अब हार्डली होगा 25 किलोमीटर लगभग। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं कुंड में और यहाँ पर हल्का फुल्का चाय नाश्ता चला, और अभी हम यहाँ पे मंदाकिनी ढाबा के पास। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदाकिनी ढाबे में ताऊ जी बहुत ही बढ़िया मच्छी भात यहाँ पर बनाते हैं। ताऊ जी कितने टाइम से काम कर रहे हो? 5 साल से। अच्छा, गाइस देख सकते हैं आप मंदाकिनी का सुंदर नजारा। मंदाकिनी नदी है और ये लौकी। गाइस कालीमठ का प्रवेश द्वार क्रॉस कर लिया है। यहाँ से यही कोई 5-6 किलोमीटर अभी कालीमठ है। तो चलते हैं अभी आगे। तो गाइस देख सकते हो आप, कहीं कहीं पर रोड काफी खराब हो रखी है, काफी गड्ढे रोड में पड़े हुए हैं। यहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कितनी बढ़िया सुंदर अद्भुत लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। आप यहाँ की लोकेशन को, सामने बांज बुरांस की जंगल है। और यहाँ पर ये फोटो शूट चलता हुआ। गाइस पहुंच गए हम कालीमठ। अभी हम कालीमठ मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ से हार्डली 500 मीटर होगा और ये अभी यहाँ का लोकल मार्केट है। देख सकते हैं आप यहाँ का सुंदर नजारा।
तो गाइस अब पहुंच गए काली मठ के एंट्रेंस गेट पे और यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं आगे मंदिर के लिए। और ये साथ वाले कर रहे हैं वेट और अब चलते हैं आगे के लिए। गाइस आगे हम माता के शक्तिपीठ में, यहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर हैं और देख सकते हैं आप प्रसाद भी हमने ले लिया है। तो साथियों जिन्हें पता ना हो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, विष्णु भगवान द्वारा सती माता के चक्र द्वारा 108 टुकड़े किए गए थे। जिन जिन स्थानों पर सती माता के ये अंगों के जो टुकड़े गिरे थे उन स्थान को सती शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है और ये उनमें से कालीमठ एक है जहाँ पर सती माता के लोअर बॉडी की पूजा अर्चना की जाती है। और साथियों अभी हम पहुंच गए मंदिर के ठीक अंदर, देख सकते हैं आप कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। अभी हमें मंदिर परिसर में और लगभग अभी टाइम हो गया है 12:15 बज गए हैं, तो 12 बजे यहाँ पर भोग का टाइम है तो अब चलते हैं दर्शन कर लेते हैं। तो गाइज अब पूजा करने के लिए चलते हैं पंडित जी के पास और चलते हैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर। वंदे पांडवभूषणमेव वंदे पशुनापतिं वंदे सूरसांगवाहिनीनां वंदे मुकुन्दाक्षं वंदे वक्षिणाचरणं वंदे शुकशङ्करं दीर्घाङ्गरूपिणां अरविन्दवासां ज्वालां देवलोकद्राघवारी कालीतनामिवां विराजपीडितां कालिकां करिणां शतकपुरामि ऐशगन्धं हेतारमान विश्वानि समर्पयामि नमो तो गाइस देख सकते हो आप काली माता मंदिर के अलावा यहाँ पर कुछ और पौराणिक मंदिर हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं ये। और आपको बता दूँ जो काली माता का जो मंदिर है वो सरस्वती नदी के ठीक बगल पर है। यहाँ आप बाएं साइड के लिए जो नदी देख पा रहे हो ये सरस्वती नदी है। तो गाइज यही है आपकी सरस्वती नदी और ये बाद में मंदाकिनी के साथ मंदाकिनी नदी बन जाती है। साथियों देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं, देख सकते हैं आप कितनी सुंदर ये मूर्तियाँ हैं। साथियों आपको बता दूँ यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर काली शिला है, काली शिला के रूप में भी काली माता को वहाँ पर पूजा जाता है, लगभग यहाँ से 3-4 या 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, धन्यवाद।